दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक पैंथर 2 या फिर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर उसके ओटीटी रिलीज डेट के बारे में, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग इस मूवी के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं और काफी लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है। तो कब आएंगी मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नो डाउट दोस्तों मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म थी इस साल की 2022 की और लोगों को पसंद भी आई है। खासकर मूवी की जो डायरेक्शन है वो बहुत अच्छी तरह से की गई थी तो लोगों को वो बात पसंद आई है। लेकिन बात आती है इस मूवी के ओटीटी ऑफिशियल राइट्स की, तो मूवी के जो ओटीटी राइट्स है वो दोस्तों एक्वायर किए गए डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने। और उसके बाद में कोई हमें प्रॉब्लम है नहीं कि मूवी के जो राइट्स है मार्वल की मैक्सिमम टाइम हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखने को मिलते हैं। लेकिन बात आती है कि आखिर मूवी आपको कब तक देखने को मिलेंगी। फिलहाल दोस्तों मूवी जो है कुछ कुछ थिएटर्स में लगी है, मैक्सिमम जगह से तो दोस्तों निकल चुकी है। और दोस्तों अब ये बिल्कुल सही वक्त है इस मूवी को रिलीज करने का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। और कुछ अपडेट्स जो कह रही है, कुछ रिपोर्ट्स जो निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये मूवी आपको दिसंबर की एंड या फिर जनवरी में देखने को मिलेंगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको दिसंबर 29 दिसंबर के आसपास, थर्सडे के दिन 29 दिसंबर के आसपास देखने को मिल सकती है, उस दिन देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी तक इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है तो उसका हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ओटीटी डेट्स को लेकर काफी ज्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में, अगर आप एक्साइटेड हो तो कमेंट में जरूर बताना। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।